Hello, good morning student. I am Manidako from AgiPro classes. So today we are going to do your footprints without feet class 10. So today we are going to do chapter number 8, the hack driver written by Sinclair Lewis. तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लेट आई इंट्रोड्यूस द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, द हैक ड्राइवर. हैक क्या होता है बच्चे? एक पीछे गाड़ी होती है, आगे घोड़े होते हैं, उसे हम घोड़ा गाड़ी कहते हैं. और ये स्टोरी जो है उस हैक ड्राइवर की है जो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही एक्टिव पर्सन है. और वो कैसे नरेटर को बेवकूफ़ बनाता है. जो नरेटर एक लॉयर है और वो वहाँ पे किसको ढूंढने के लिए आता है? ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए आता है. लेकिन जो हैक ड्राइवर है वो उसे कैसे बेवकूफ बनाता है. तो बच्चे लेट्स आई बिगन दिस स्टोरी. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिकेंट लॉ फर्म. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव. तो यहाँ पे लीगल ब्रीफ्स बच्चे क्या है? डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन कोर्ट, समन्स एंड ऑर्डर टू अपेयर बिफोर ए जज. अब ये जो नरेटर है एक लॉयर है जो अब बात कर रहा है कि उसने ऑनर्स में ग्रेजुएट किया और साथ में उसने लॉ का एक कोर्स किया जिसकी वजह से उसे मैग्निफिकेंट लॉ फर्म में एक उसे जॉब मिल जाती है. लेकिन वो वहाँ पे लीगल ब्रीफ्स नहीं तैयार करता, उसके पेपर वो नहीं प्रिपेयर करता, वो सिर्फ किसके पेपर्स बनाता है? समन्स के. और उसे ये काम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है इस काम से. क्यों? क्योंकि वो चाहता, वो उसे ऐसे लगता है कि ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा है. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टम्स. विक्टम्स मीन्स प्रे, शेडी डार. अब वो कहता है कि उसे शहर के ऐसे कोनों में भी जाना पड़ता है जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है और वहाँ पे गंदे लोग रहते हैं. गंदे मीन्स जो वहाँ पे जिन्होंने क्राइम किया है, जैसे गुंडागर्दी होती है वहाँ पे. और वो उन इलाकों में भी वो वहाँ पे जाता है. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी. तो उसे वहाँ पे जाना पड़ता है लेकिन उसे वो सब अच्छा नहीं लगता. कई बार वो उसको पकड़ कर लॉयर को पिटाई कर देते हैं लॉयर की, और वो ये सब चीज़ें हेट करता है और उसे ये काम उसको अनप्लेजेंट लगता है. क्यों? क्योंकि उसमें उसकी जान का भी खतरा है. आई इवन कंसिडर फीलिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट वे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. अब क्या था कि जो नरेटर है उसे अपना होम टाउन याद आ रहा है और उसे वहाँ लगता है कि वो एक सच्चे लॉयर की तरह वहाँ पे काम करता था जो उसको बहुत ही अच्छा लगता था. और वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छे प्लेजेंट मौसम में फील करता था. सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस. वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर ऑल आवर लेटर्स. अब जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि एक दिन वो बहुत खुश थे. रिजॉइस मीन्स चीयर्ड, बहुत खुश थे. क्यों? उसको कहाँ जाने का मौका मिल रहा है? न्यू मिलियन, जो एक रूरल एरिया है जो वहाँ से सिटी से 40 miles की दूरी पे है. और वो वहाँ पे किसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं? ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को उसको समन्स देने जाने हैं. क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसकी विटनेस बच्चे ये होता है गवाही. जैसे आप बहुत बार टीवी में, मूवीज़ और सीरियल्स में देखते हैं कैसे वो विटनेस आता है और वो गवाही देता है. जो उसने देखा होता है, जो एक्चुअल होता है, वो वहाँ पे आके बोलता है और जज उसको सुन के उसके ऊपर वो उसको सॉल्व करता है. तो ऐसे ही ओलिवर लुटकिंस की वहाँ विटनेस की ज़रूरत थी. लेकिन उसको बहुत सारी लेटर्स थी लेकिन उसने उनकी लेटर्स को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया. और इसलिए नरेटर को वहाँ जाने का चांस रहा है और वो बहुत ही खुश है. When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. तो वो बहुत खुश था कि एक नई जगह जा रहे हैं, एक रूरल एरिया में, जैसे गांव की तरह
होता है और वो बहुत खुश है वहाँ, उसे लग रहा था वहाँ का एटमोसफियर बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हो गए। क्यों? Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops either painted a sort brown or bare of any paint at all. Bare means without. अब वो disappointed क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है सड़कें वो मड्डी हैं, वहाँ पे मिट्टी से भरी हुई हैं, कुछ दुकानें जो हैं लकड़ की बनी हुई हैं, कई शॉप पे उन्होंने पेंट किया और वो भी कौन सा ब्राउन कलर का, और कई दुकानें जो हैं वो बिना पेंट के थी। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। अब उसे बहुत अच्छा लगा, क्यों? वहाँ पे उन्हें एक स्टेशन पे एक आदमी जो उन्हें लेने के लिए वहाँ पे आता है, ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, चेयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल, हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी जो उन्हें लेने आया, जो 40, जिसकी एज 40 है और उसका फेस जो है रेडफुल है, चीयरफुल है, बहुत देखने में वो खुश था और थोड़ा सा मोटा भी था, लेकिन उसके कपड़े गंदे थे थोड़े, लेकिन वो अच्छा लग रहा था। उसकी अपीयरेंस, उसका जो उसको उसकी पर्सनालिटी ऐसे लग रही थी जैसे वो एक फ्रेंड की तरह उनके साथ वो बिहेव करेगा और उसे देख कर वो थोड़ा सा खुश हुए थे। तो ऐसे अपीयरेंस बताई गई है उस आदमी की जो उन्हें वहाँ पे लेने के लिए स्टेशन पर आया था। आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। तो नरेटर ने उस ड्राइवर को बोला कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक आदमी को ढूंढने के लिए आया हूँ जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस। I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though. Always up to something or other. तो लुटकिंस, जब उन्होंने बोला ओलिवर लुटकिंस, तो वो ड्राइवर ने बोला लुटकिंस, हाँ मैंने अभी एक घंटा पहले उसको यहाँ पे देखा था, लेकिन उस आदमी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि आपको बच्चे पता नहीं क्यों मुश्किल काम है, ये आपको लास्ट में पता चलेगा कि ओलिवर लुटकिंस को पकड़ना मुश्किल काम क्यों था। वो उसके बता रहा है वो कैसा आदमी है कि उसको पकड़ना जो है बहुत ही मुश्किल है। वो सभी को चीट भी करता है और सबके साथ डिसऑनेस्ट बिहेव करता है। ही इज़ प्रॉबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पॉकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। आई विल टेल यू Why is there any hurry about locating लुटकिंस? तो उस ड्राइवर ने बोला, हाँ हो सकता है कि वो एक पोकर गेम खेलता है। पोकर गेम बच्चे कार्ड्स की गेम होती है। वो किसकी शॉप में खेल रहा है? फ्रिट्स की शॉप में। आपको उसको पकड़ने में क्या कोई जल्दी है? तो ये ड्राइवर किसको बोल रहा है? तो नरेटर ने बोला, हाँ मैंने उसको पकड़कर दोपहर की गाड़ी से वापस शहर जाना है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत उसके उसके बारे में वो क्या उसका सीक्रेट बताना चाहता था। I will tell you what, I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. Hangs means visit. अब जब उसने नरेटर ने बोला कि हाँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ड्राइवर ने बोला ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ, मेरे पास एक हैक है, हैक घोड़ा गाड़ी है और मैं लेकर आता हूँ, मैं उसको ड्राइव करूँगा, आप मेरे साथ उसमें चलना, हम दोनों लुटकिंस को ढूंढने के लिए जाएंगे और मुझे पता है वो कौन कौन सी जगह पे जाता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली डैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। तो जब उसने ड्राइवर ने हैक ड्राइवर ने ऐसे बोला तो नरेटर था वो बहुत ही खुश हो गया और उसने बोला कि उसकी इस बातों से उसको बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे साथ चल रहा है और मेरी हेल्प करना चाहता है। लेकिन नरेटर ये भी जानता है कि वो अपना बिजनेस भी कर रहा है कि अगर मैं उसकी गाड़ी में बैठूंगा तो उसको मैं चार्ज भी करूंगा, लेकिन उसकी ये
जो काइंडनेस, जो दयालुता है मेरे साथ उसको ढूंढने में जाने की, वो उसे बहुत अच्छी लगी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। आई मैनेज टू बार्गेन, बार्गेन मीन्स गेट ए डिस्काउंट, डाउन टू $2 एन आवर, एंड देन ही बॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। तो उसने बोला कि, नरेटर ने बोला कि मैं उसकी बात सुन के खुश था, मैं उसको अच्छा जो है उसका वो फेयर दूंगा, फेयर मीन्स किराया दूंगा, उसकी गाड़ी में बैठकर लुटकिंस को ढूंढने का किराया अच्छा दूंगा, और एक घंटे का उसको मैं $2 दूंगा। तो वो अपनी जो हैक लेकर आता है, तो वो कैसे बनी होती है, एक ब्लैक बॉक्स, बड़ा काले रंग का डिब्बा था और जिसको उसने व्हील्स लगाए थे, ऐसे उसकी जो थी घोड़ा घाड़ी का जो appearance. He remarked, "Well, young man, here's the carriage," and his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task means work, to find Oliver Lutkins for me. So usne bola aake, ye dekho young man, yahan pe meri carriage hai, मेरी जो घोड़ा गाड़ी है, और उसको देखकर उसने स्माइल किया, और नरेटर को ऐसे लगा जैसे वो उसका पुराना दोस्त है, और नरेटर ये सोच रहा है कि ये जो गांव के लोग हैं वो कितने अच्छे हैं, वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए तो स्ट्रेंजर ही था, लेकिन यहाँ पे उस नरेटर सोच रहा है कि ये लोग इतने अच्छे हैं कि ये स्ट्रेंजर की एकदम हेल्प करने लग पड़े हैं, और वो जबकि उसका काम नहीं है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का, ये काम किसका था, नरेटर का था। "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent." तो अब वो जो हैक ड्राइवर था उसने बोला कि नरेटर से, तो मेरा ये काम नहीं है, मैं आपसे क्यों, आपसे पूछूं कि आप लुटकिंस को क्यों ढूंढने आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, जो लुटकिन है वो अगर आपने उससे पैसे लेने हैं तो वो किसी को एक पैसा भी वापस नहीं करता था। ही स्टिल ओज मी 50 cents ऑन ए पॉकर गेम, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम। अब वो अपनी बात बता रहा है कि एक बार उसने कितने पैसे उसको सेंट्स दिए थे, 50 cents। तो जैसे हमारे यहाँ पे पैसे होते हैं तो वहाँ पे सेंट्स होते हैं बच्चे, तो पॉकर गेम खेलने के लिए, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं भी बेवकूफ़ था, मैंने उसको दे दिया। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद मनी, वो इतना बुरा नहीं है लेकिन उससे पैसे वापस लेना बहुत मुश्किल काम है। और साथ में वो उसके ये भी बता रहा है कि अगर क्या, उसको और भी ये बात बता रहा है जो हैक ड्राइवर कह रहा है कि इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथिस ही विल बी सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स डाउटफुल, एंड गेट अवे फ्रॉम यू। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रेड्स एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। और उसने ये भी साथ में बोला कि अगर आप लुटकिंस को ढूंढने के ऐसे कपड़े पहनकर जाएंगे तो वो डाउटफुल हो जाएगा, उसको शक हो जाएगा और वो आपसे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं जो फ्रिट्स की शॉप में जाकर उसे बात करूंगा। आई लव्ड हिम फॉर दिस। तो जब उसने ये बात बोली तो नरेटर को उसकी बातों से वो बहुत खुश हो गया था और उसे उसकी प्रेस करने लग पड़ा था। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। तो वो सोच रहा है कि अगर मैं अपने आप खुद लुटकिंस को ढूंढने आता तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाता। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। तो उसने नरेटर ये मन में सोच रहा है कि अगर वो लुटकिंस को अकेले ढूंढने आता नहीं ढूंढ पाता, अब वो हैक ड्राइवर की हेल्प से, मदद से वो किसको ढूंढ पाएगा, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ पाएगा। लेकिन नरेटर ये नहीं जानता कि जो हैक ड्राइवर है वो उसको बेवकूफ बना रहा है। कैसे बना रहा है बच्चे? तो लेट्स आई प्रोसीड फॉरवर्ड। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. तो अब उस जो नरेटर है उसकी बातें सुनकर उसको अच्छा लगा और उसने सोचा कि ये जो इंसान है वो भरोसे वाला है। और उसने, नरेटर ने क्या किया
कि उस ड्राइवर को ये बता दिया कि वो लुटकिंस के खिलाफ समन्स लेके आया है, उसको वहाँ उसके साथ कोर्ट में जाकर विटनेस के रूप में गवाही देनी पड़ेगी, जो उनका केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। द ड्राइवर लिसेंड अर्नेस्टली एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस ए लिटल सरप्राइज। तो अब जब उन नरेटर ने बताया कि उसकी विटनेस बहुत ज़रूरी है एक केस को सॉल्व करने के लिए, तो जो हैक ड्राइवर था बड़े ध्यान से सुना और उसने मुस्कुराकर उसके शोल्डर पर हिट करके बोला, कोई बात नहीं, हम लुटकिंस को सरप्राइज देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, तो नरेटर ने बोला चलो ड्राइवर तुम अपनी घोड़ा गाड़ी को चलाना शुरू करो। Most folks around here call me Bill or Maxon. तो जब उसने नरेटर से यह सुना ड्राइवर, तो उसने बोला लोग मुझे यहाँ पे बिल या मैक्सन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस बहुत बड़ा यहाँ पे किसका था, वो बोल रहा है माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैक्सन फैंसी कैटिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो जब उसने बोला कि उसका बिजनेस ही यही है, तो उसने नरेटर ने बोला ओके बिल, चलो हम अब फ्रिट्स की शॉप पे जाते हैं। किसको ढूंढने के लिए? ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, प्लेज अ लॉट ऑफ पॉकर, ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिस ऑनेस्टी। अब वो उसको बोल रहा है कि हाँ फ्रिट्स की शॉप पे वो पोकर खेल रहा होगा और लोगों को वो चीट कर रहा है, डिसीविंग मीन्स चीट, धोखा दे रहा है और धोखे से उनको जीत रहा है। और वो लुटकिंस की ये डिसऑनेस्टी का टैलेंट जो है वो किसको बता रहा है? वो नरेटर को बता रहा है। आई फेल दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कॉट लुटनिस रिस्पेक्टफुली एंड जेल हिम विद रिगेट। तो यहाँ पे नरेटर जो है वो सोच रहा है कि अगर बिल जो पुलिस मैन होता तो बड़े आराम से वो लुटनिस को पकड़ कर जेल में डाल देता। बिल लेड मी इन टू फेट्स, हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस राउंड टूडे, फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। अब वो किसकी शॉप में जाते हैं? फिट्स की शॉप में जाते हैं और वहाँ पर जाकर क्या बोलते हैं, क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को आज कहीं देखा? उनका दोस्त उन्हें ढूंढ रहा है। तो ये कौन कह रहा है? ये बिल किसको कह रहा है? फिट्स की शॉप में जाकर। फिट्स लुक एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, यस He was in here a little while ago. Guess he is gone over to Gustav's to get his shave. तो फ्रिट्स ने देखा बिल की तरफ और उसने बहुत ही हेजिटेट मैनर में, बहुत ही झिझक के से उसने बोला, हाँ कुछ देर पहले यहाँ था, अब मैं ये गेस कर रहा हूँ वो गुस्ताफ की शॉप में गया है शेव कराने के लिए। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो बिल ने बोला हाँ ठीक है, अगर वो यहाँ पे आया तो उसको बोल देना कि बिल उसको ढूंढ रहा है। वी ड्रॉप टू गुस्ताफ बार्बर शॉप। अब वो वहाँ से निकल कर कहाँ पे जाते हैं? गुस्ताफ की नाई की दुकान पे जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। फिर उस शॉप में सबसे पहले कौन जाता है? बिल जाता है और वो डोर पर खड़ा होकर पूछता है क्या। He asked not only the sweet but two customers if they had seen Lutkins. The sweet had not. Sweet means Sweden. जो स्वीडन से यहाँ पे आकर उसने एक बाबर की शॉप खोली है और उसने बोला क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को देखा, और वहाँ पे दो कस्टमर थे उनसे भी पूछा लेकिन उनका जवाब था नहीं। He said angrily, I have not seen him and don't care to. But if you find him, you can just collect that $35 he owes me. One of the customer thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. तो जब वो गुस्ताफ की शॉप पे गया तो गुस्ताफ ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला मैंने उसको नहीं देखा और ना ही मैं उसकी केयर करता हूँ, अगर वो मिले तो उससे $35 कलेक्ट कर लेना, उसने मेरे से लिए थे। और उन वहाँ बैठे जो दो कस्टमर से एक कस्टमर बोल रहा है कि उसने लुटकिन को बाहर मेन स्ट्रीट की तरफ जाते हुए देखा था। एज वी क्लिम बैक इन टू द हैग, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिन हैड एग्जॉस्टेड दिस क्रेडिट एट Gustav, he had probably gone to Grace Forest. अब वो वापस किस में जाते हैं?
हैक में जाते हैं, तो बिल ने बोला कि हाँ ये गुस्ताफ की शॉप से तो वो वहाँ से चला गया होगा, क्यों क्यों उसने वहाँ से शेव नहीं कराई, क्यों, क्योंकि उसके ऑलरेडी उसने उसको पैसे दे रहे थे। हो सकता है अब वो किसकी शॉप पे गया है, ग्रे बार्बर की शॉप पे गया है वहाँ पे शेव कराने के लिए। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट। जब वो ग्रे की शॉप पे पहुंचे तो 5 मिनट पहले ही लुटकिन वहाँ से चला गया था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रॉबली फॉर द पूल रूम। तो उसने सोचा कि अब वो कहाँ पे जा सकता है, वहाँ पूल रूम में जा सकता है। एट द पूल रूम ही अपीयर डैट ही हैड जस्ट बॉट ए पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गोन आउट। तो वहाँ पे जब गए तो उन्हें क्या पता चला कि वो पूल रूम में आया था, बस एक सिगरेट का पैकेट लिया और वहाँ से वो चला गया। सो वी परस्यूडेड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock आई वॉज हंग्री। तो अब नरेटर कह रहा है कि जहाँ भी हम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं वो पहले ही वहाँ से भाग जाता है। तो उसे ऐसे लग रहा है कि वो एक चोर सिपाही का जो खेल खेल रहे हैं कि वो उनके आने से पहले वो वहाँ से निकल जाता है। तो जब उसको ढूंढते ढूंढते इतने में क्या बज जाते हैं, घड़ी पे 1 बज जाता है और अब जो नरेटर है अब उसको भूख लग। बट आई हैड सो इंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केयरली केयर वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। पर जो था नरेटर वो बहुत इंजॉय कर रहा था बिल के साथ, उसके नेबर्स को मिलकर, उनकी बातें सुनकर, चाहे उसको लुटकिंस मिला या ना मिला लेकिन वो वहाँ पे इंजॉय कर रहा। अबाउट समथिंग टू ईट आई सुजेस्टेड लेट्स गो टू रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। तो लॉयर जो नरेटर है, एक लॉयर है, उसने बोला चलो हम कुछ खाते हैं, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में चलो मैं तुम्हारे लिए भी खाना खरीद लूँगा। वेल I ought to go home to the wife. I don't care much of these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. Tell you what we will do. We will get the wife to pack up a lunch for us. She wants to charge you more than $0.50 and it would cost you more for a greasy meal in the restaurant. And we will go up to the wait cell and enjoy the view while we eat. So, ab narrator ne bola ki khana khane ke liye restaurant pe chalte hain aur main tumhe bhi कराता हूँ। लेकिन जो बिल है वो कहता कि नहीं, वो घर जाएगा, अपनी वाइफ के हाथ का खाना बनेगा। वो यहाँ पे तो सिर्फ 4 रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट जो का खाना उनका बहुत अच्छा नहीं है, और आप ऐसे चलो, आप मेरे घर चलो और मेरी वाइफ आपके लिए भी खाना पैक कर देगी और आपको वहाँ पे 50 सेंट्स देने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं है खाने की और आपको रेस्टोरेंट का जो ऑयली खाना वो नहीं खाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि अपनी वाइफ को बोलेंगे, वो बिल कह रहा है कि उस अपनी वाइफ से बोलेगा वो खाना पैक कर देगी, तो हम कहाँ पे जाके खाएंगे, वेट्स हिल पे, वहाँ पे बैठकर हम खाना खाएंगे और साथ में हम इंजॉय करेंगे। ऑन दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वाज नॉट एंटायरली, मुझे लग रहा था ये ऐसे नहीं है कि वो एक जैसे भाईचारे की तरफ से मुझे वो प्यार कर रहा है, लेकिन वो मेरी हेल्प भी कर रहा है, मेरे बहुत मेरे लिए पूरा हेल्पफुल है। तो वो कह चाहता है कि हाँ ये बिजनेस भी करना चाहता है। वो क्या कहता है कि आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम इन एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आवर एट व्हाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस। अब उसने बोला कि मैं उसको तो पहले ही पे कर रहा हूँ और उसके साथ उसने 6 आवर्स स्पेंड किए और साथ में उसने खाने का भी जो है वो पैसा उसको अच्छा पैसा उसको पे कर दिया। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। अब नरेटर ये सोच रहा है कि वो इतना डिसऑनेस्ट नहीं है जितना मैं हूँ। क्यों ऐसे सोच रहा है नरेटर, वाई आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। अब वो जो खर्चा यहाँ पे हो रहा है, इधर घोड़े गाड़ी पे जो पैसे दे रहा है, खाने का खर्चा हो रहा है, वो अपनी फर्म से कलेक्ट कर लेगा, तो सारा खर्चा उसकी फर्म उठाएगी। तो ये बिल को नहीं पता था, लेकिन बिल को लग रहा है कि नरेटर उसकी हेल्प कर रहा है और जो नरेटर है वो इतना स्मार्ट बन रहा है कि वो वहाँ पे जाकर अपनी फर्म से पैसे ले लेते। इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माइसेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। हिज चीयरफुल कंट्री विजिटर वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू द कंट्री बॉय लाइक माइसेल्फ हु वाज सिक ऑफ सिटी। पर उसको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, क्यों, यहाँ रूरल एरिया में उसको ये माहौल जो है यहाँ का फ्रेश एयर और यहाँ का एटमोसफियर इतना अच्छा लग रहा है, और वो उसे ऐसे लग रहा था कि वो शहर में जब था तो वो बीमार हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे न्यू मिलियन में आता है तो उसके जो है
लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है और यहाँ का एटमोसफियर उसे बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंजॉय. एज वी सेट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पैस्चर एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ द पीपल इन इट. तो वहाँ पे हिल टॉप पर बैठकर उन्होंने लंच किया और वहाँ का पैस्चर जो ग्रीन ग्रास लैंड उसको देखा, इंजॉय कर रहे थे कैसे वहाँ पे छोटे छोटे जो है क्रीक कीड़े मकोड़े कैसे पेड़ पे चढ़ के नीचे स्लिप कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं और 9 मिलियन के लोगों की बातें भी साथ में कर रहे हैं जो उसे अच्छी लग रही. बातें करते करते तो क्या होता है, जो बिल है उनसे वो उसके वहाँ के लोगों की फुलिशनेस के बारे में भी बताता है. ही नोटिस एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस. अब वो बोल रहा है कि यहाँ के लोग जो है उनकी सब बातें सुनता भी है लेकिन उनके फुलिशनेस को भी देखता है और देखकर उन्हें इग्नोर भी कर देता है. तो यहाँ पे बिल उसको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स वो बताता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं. सबसे पहले वो किसकी एग्जाम्पल बताता है, एक मिनिस्टर की वाइफ की. ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लॉर्डस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेप्थ. तो जब वो मिनिस्टर की वाइफ बहुत कर्जे में थी तो वो क्या करती थी, चर्च में जाकर जोर जोर से भगवान से प्रार्थना करती थी. क्यों करती थी, ऐसे चिल्ला चिल्ला के कि उसका जो कर्जा है वो कम हो जाए. और सेकेंड एग्जाम्पल वो कौन सी बताता है, ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथेस. और वो उन लड़कों की बातें बताते हैं जो सिटी में कॉलेज से पढ़कर आते हैं और रंग भरंगे कपड़े पहनकर आते हैं. थर्ड एग्जाम्पल एक लॉयर के वाइफ की बताते हैं, ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ ए कॉलर एंड टाई ऑन द सेम डे. अब लॉयर की ड्रेस कैसी होती है बच्चे, एक ब्लैक कोट होता है और ऊपर एक वाइट कलर का जैसे कॉलर पहना है जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. लेकिन उसकी वाइफ जो है लॉयर की वो चाहती थी कि लॉयर जो है वो दोनों चीज़ें टाई और कॉलर एक दिन सेम दिन में पहने. तो ये उनकी फुलिशनेस जो थी बिल उसे बता रहा था वहाँ के लोगों के लिए. ही मेड देम ऑल अलाइव ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर. तब उन जो नरेटर है उसे न्यू मिलियन बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग कितने सादगी में हैं, कैसे वो फुलिशनेस उनकी फुलिशनेस नहीं है उनकी वो इग्नोरेंस है और वहाँ का सिंपल सिटी है. तो उसे ये शहर से ज़्यादा न्यू मिलियन बहुत अच्छा लगने लग पड़ता है. बिल didn't know about colleges and cities but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. ab bill jo hai wo college ke cities mein colleges aur uske bare mein koi bhi nahi janta tha lekin usne bahut sara wo travel kiya hua hai aur bahut sari jobs bhi ki hui hai. from his adventures he had bought to have back a philosophy of simplicity and laughter he strengthened me. to kehta hai ki usne jagah jagah pe jobs ki है लेकिन उसका जो उसकी अपनी एक फिलॉसफी है अपने उसकी एक स्ट्रेटजी है या उसका एक लॉजिक है कि अगर लाइफ में जीना है तो एकदम सिंपल रहो, सिंपलसिटी बेस्ट है. और दूसरा हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो. तो ये जो बातें सुनकर नरेटर को उससे क्या मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक उसके अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ आती है जो ये सब बातें सुनकर और उसे अच्छा लगता है. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मियोर and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill concerned a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out of his mother's farm 3 miles north. We drove out their laying plans. तो अब क्या था कि उनको ये सारा जो जहाँ पे वो हिल टॉप पर बैठकर लंच कर रहे थे वो सब छोड़कर अब उनको कहाँ पे आना पड़ता है, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए. लेकिन वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाए. आखिर में उन्हें उनका एक दोस्त मिलता है और वो कहता है कि शायद ओलिवर लुटकिंस वो अपनी मदर के फार्म पे गया है जो यहाँ से 3 miles दूर पे है. और कौन सी साइड डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में है यहाँ से 3 miles की दूरी पे है. अब वो लुटकिंस को ढूंढने के लिए बिल और नरेटर वो कहाँ पे जाते हैं, उसके मदर के फॉर्म पे जाते हैं और रास्ते में प्लान्स बनाते हैं. आई नो ओलिवर्स मदर शी इज टेरर
Bill sighed. I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. Box of eggs means delicate. अब यहाँ पे क्या है बच्चे कि वो बिल जो बताता है कि ओलिवर की मदर को मैं जानता हूँ, वो बहुत ही टेरर, बहुत ही डरावनी औरत है, और वो कहता है एक बार वो ट्रंक लेकर गया था, लेकिन उसने ट्रंक को प्यार से नहीं निकाला और फटाफट जब निकाला और जोर से वहाँ पे रख दिया, और जब उसकी मदर ने देखा तो वो उसकी क्या थी, उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसके बॉडी से स्किन को नोचने वाली। तो ये उसकी अपीयरेंस बता रहा है बिल उसके लुटगिंस की मदर की। शी इज अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज कैट एंड शी श्योर कैन टॉक। अब उसकी अपीयरेंस बता रहा है, कहता है वो 9 feet लंबी है और ह्यूज भी है, उतनी मोटी भी है और बहुत ही बातूनी। I will bet Oliver heard that somebody is chasing him and he is gone on there to hide behind his mother's skirts. अब उसको बिल्कुल लग रहा है कि शायद लुटकिंस को पता चल गया है कि आप उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है, और उसको पता चल गया है और वो अपनी मदर के पास जाकर छिप गया है। तो बच्चे यहाँ पे हमें पता चलता है कि बिल जो है वो किसकी अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा है, लुटकिंस के मदर के बारे में बता रहा है किसको, नरेट। वेल वी विल ट्राई हर बट यू हैड लेट मी टू डू इट बॉय, यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन सीयरिंग। अब जो विल ने बोला हाँ चलो हम कर सकते हैं, और आपने बहुत ही अच्छी जो है नॉलेज ली हुई है किसमें, लिटरेचर और लॉ में, तो आप काम कर सकते हैं। तो लेट्स वो कहते हैं कि चलो हम ओलिवर को ढूंढने के लिए उसके मदर के फॉर्म पे चलते हैं। वी ड्रॉव इन टू पुअर फॉर्म यार्ड वी वर फेस्ड बाय एन एम्यूरियस एंड चेयरफुल ओल्ड वूमेन। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर मी, I am Bill Magnus, the catter and hackman. I want to find your son Oliver. तो वो किस कहाँ पे चले जाते हैं, उसके मदर के फार्म यार्ड में जाते हैं, और उन्होंने वहाँ पे देखा एक बहुत ही ह्यूज और चेयरफुल ओल्ड वूमन वहाँ पे घूम रही है। तो बिल ने वहाँ पे जाकर उससे बहुत ही ब्रेवली से, बड़ी बहादुरी से ये कहा कि आप मुझे जानती हैं, मैं बिल मैगसन हूँ और बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ कैटर और हैकमैन का, और मैं आपके बेटे ओलिवर को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। और वो उस पर बुरी तरह से चिल्लाई, मैं कुछ नहीं जानती ओलिवर के बारे में और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। नाउ लुक हियर वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। तो जब उस पर वो बुरी तरह से चिल्लाई तो बिल ने भी इतनी जोर से बोला और कहता आपकी ये यहाँ पे कोई ऐसे नॉनसेंस बातें नहीं होंगी, ये देखो यंग मैन जो है ये कोर्ट में काम करते हैं शहर में, और इनके पास एक लीगल राइट है। लीगल राइट मीन्स जो कोर्ट से उसे राइट मिला है कि वो यहाँ पे आकर ओलिवर लुटकिंस की सारी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड, शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम ओल्ड फैशन स्टॉप एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग। जब बिल ने ये बताया कि ये कौन है और शहर से आए हैं, एक लॉयर है और उनको पास लीगल पेपर है जो ओलिवर के घर की तलाशी लेंगे, तो ये बात सुनकर रिट्राइड मीन्स वेंट इनसाइड, वो किचन के अंदर चले जाते हैं और साथ में वो दोनों पीछे उसके जाते हैं। तो वहाँ पे उसने देखा कि एक बहुत पुराने स्टोव से वो दो लोहे की जलती हुई सीख उठाकर उनके पीछे आती है। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, कहते ठीक है तुम जो देखना चाहते हो ढूंढना चाहते हो कर लो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें जला दूंगी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, तो उसने बहुत जोर से चिल्लाया और हम पे बुरी तरह हंसी और वो उनको वहां से भगाने की कोशिश करने लग पड़ी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड, बिल ने बहुत थोड़ी आवाज में बोला चलो चलो यहाँ से भाग चलते नहीं तो ये हमें मार डालेगी। आउटसाइड ही सेड डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस, तो बाहर जाकर उसने नरेटर से बोला देखा वो कैसे हम पे हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज अ प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, तो उसने बोला कि मैंने ये माना कि ये उसकी उसने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया। वो डिड हाउएवर सर्च द हाउस,
तो कैसे भी करके उन्होंने पूरे घर को छान लिया। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, बिल वेंट राउंड इट पीपरिंग, पीपरिंग मीन्स लुकिंग इन एट ऑल द विंडो। तो ये उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, एक स्टोरी का था, और बिल ने खिड़कियों के में झांक झांककर उसकी छानबीन कर रही, कहीं ओलिवर लुटकिंस यहाँ पे छुपा हुआ तो नहीं। वही एग्जामिन द ब्रैन एंड स्टेबल, ब्रैन मीन्स आउटसाइड द डोर, मतलब बाहर बाहर भी उन्होंने सारा छान लिया, और स्टेबल जहाँ पे घोड़े रखते हैं वो भी देख लिया। वी वर रीजनली सर्टन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, तो उन्होंने देखा यहाँ पे लुटकिन तो है ही नहीं। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन, तो इतने में दोपहर को गाड़ी पकड़ने का समय हो जाता है और बिल नरेटर को कहाँ पे छोड़ने के लिए चला जाता है, वो स्टेशन पे आ जाता है। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, अब क्या था रास्ते में नरेटर शहर की तरफ जा रहा था तो उसको बहुत चिंता हो रही थी, क्यों, क्योंकि वो लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैक्सन, अब वो बिल मैक्सन के बारे में सोचने लग पड़ा था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, तो वो सोच रहा है कि न्यू मिलियन में वो यहाँ पे आकर परमानेंट के लिए यहाँ पे वो रहने लग पड़ेगा और अपनी खुद की लॉ की प्रैक्टिस वो करे। इफ आई फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई गो नॉट गो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वॉइस नेबर, तो उसने बोला कि हाँ मैं तो बिल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जो मेरे साथ ऐसा अच्छा बिहेव किया मैं उसे भूल नहीं सकता, लेकिन फ्रिट्स गुस्ताफ और जो बहुत ही लोग जो सिंपल थे उनको मैं नहीं मानता। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रीट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड लॉ फॉर्म्स, आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड इट ट्रेयर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, तो उसको न्यू मिलियन इतना पसंद आ जाता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे आकर अपना एक घर खरीदूंगा और यहीं पे रहकर अपने जो है प्रैक्टिस लॉ की खुद की शुरू करूंगा। इफ आई डिडंट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, अगर मैं लुटकिंस के बारे में नहीं सोच रहा लेकिन ऑफिस में ये सब सोच रही हैं। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, अब मैंने जब बताया तो वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव, केस है वो कोर्ट में पेश होने वाला लेकिन लुटकिंस वहाँ पे नहीं है। आई वॉज शेमफुल यूजफुल एस फूल, तो उसे अपने आप को नरेटर को लग रहा है कि वो बहुत उसकी बेइज्जती होगी और अपने आप को एक बेवकूफ़ की तरह वहाँ पे खड़ा पाएगा। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, तो उसको ऐसे लग रहा था कि उसका जो कैरियर था लॉ का वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, अब उसका जो मेन बॉस था वो उसे तो मारने वाला है। ही डिड दैट, आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, उसने बोला कि मैंने पूरी कोशिश की डिगिंग मींस टिल डिचेस ड्रेन, पूरी कोशिश की लुटकिंस को ढूंढने की लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, तो अब उसने उसको फिर से ऑर्डर मिला कि आप वापस जाओ न्यू मिलियन और अब आपके साथ एक आदमी जाएगा जिसने लुटकिंस के साथ काम किया हुआ था। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, लॉफिंग मीन स्पेंड आइडल टाइम, तो अब वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या, ये तो सब जान जाएगा कि मैं बिल के साथ मैंने कैसा टाइम स्पेंड किया था। When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his car. जब हमारी गाड़ी, नरेटर कह रहा है जब हमारी गाड़ी न्यू मिलियन पे पहुंची तो बिल जो था वो पहले ही स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था अपनी कार्ट के पास। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टिगर्स लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल नॉट क्वारलिंग एट ऑल, तो उसने क्या देखा नरेटर ने कि लुटकिन की मदर वहाँ पे खड़ी बिल से बातें कर रही थी हंस हंस के और उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड देयर इज फाइन फेलो अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम, तो जब वो ट्रेन से बाहर आते हैं तो उसके साथ जो उसका कंपेनियन लुटकिंस को जो पहचानता था उसको बोल रहा है कि ये बिल है, इसके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, हंट मींस सर्च, तो उसके कंपेनियन ने पूछा क्या ये आदमी वही है जिसने तुम्हारे साथ ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में कोशिश की थी, तो नरेटर बोलता है यस ही हेल्प मी अ लॉट,
तो उसने बोला हाँ इसने तो मेरी बहुत हेल्प की, ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ। तो उसने बोला, उसके कंपेनियन ने बोला जो लुटकिंस को जानता था, उसने बोला अरे यही तो लुटकिंस है। तो बच्चे यही था सस्पेंस, स्टार्टिंग में नरेटर को ये नहीं पता था जिसके साथ वो घूम रहे हैं लुटकिंस को ढूंढने के लिए, वो ओलिवर लुटकिंस वो खुद ही था। और नरेटर को वो उसने कैसे उसको बेवकूफ बना दिया, एक लॉयर को उसने बेवकूफ बना दिया था। व्हाट रियली हर्ट मी वाज दैट व्हेन आई सर्व द समन्स लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ सेवन। तो जब उसको ने उसको ये पता चला कि यही लुटकिन है, तो उसकी मदर और वो दोनों उस पे हंस रहे थे। तो उसको ऐसे अजीब सा लग रहा था जैसे वो एक छोटा सा लड़का, 7 साल का लड़का लग रहा है। विद लविंग काइंडनेस दे बेग मी टू गो विद देम टू नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ टी। तो उसने बोला चलो ये सब छोड़ो, अब आप ऐसे करो चलो हमारे साथ, तो हमारे नेबर्स के घर में हम वहाँ एक कप कॉफी पीने चलते हैं। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर अनकॉन्शियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिंस जॉयफुली। लुटकिंस ने बोला मैंने अपने नेबर को आपके बारे में बताया और वो कहता है कि मैंने आपसे मिलना है, तो इसलिए उसको बोल रहा है कि चलो उनके नेबर्स में कॉफ़ी पीने चलते हैं। दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस सिंग यू यस्टरडे। कहते हैं वो ही एक रह गए थे जिन्होंने आपको नहीं देखा था। अब जो लुटकिंस है वो अपने नेबर के घर में उनको लेकर जाता है। और क्यों लेकर जाता है? क्योंकि वो सब गांव में, सब न्यू मिलियन में सब ने देखा कि लुटकिंस के साथ वो लॉयर को घूमते हुए, और सभी ने उसको बेवकूफ समझा। क्यों? क्योंकि लॉयर को पता नहीं है वो लुटकिंस के साथ में घूम रहा है। तो एक उनके नेबर्स में रह गए थे कि पर्सन जिसने जिसको इस बात का नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि चलो आप हमारे नेबर्स में चलो और उसके घर में हम कॉफ़ी पीते हैं। सिर्फ वो ही रह गए हैं जिन्होंने आपको नहीं देखा और वो आपको देखने के लिए देखना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि सभी गांव में सभी लोगों ने आपको देखा लेकिन मैंने नहीं देखा और मैंने मिस किया और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बच्चे इसी के साथ ये आपकी स्टोरी जो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई एजुप्रो क्लास चैनल एंड हिट द बेल। ओके, थैंक यू।